वालेकुम भाई उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे ये मैंने काम करवा लिया है गाड़ी का ठीक है और कुछ रह भी गया था एक तो मतलब जो हो गया था मेरा फर्स्ट टारगेट यही था कि सस्पेंशन सही होनी चाहिए ठीक है उसमें ये डोर पैनल्स का एक भाई पूछ रहे थे कि कैसे बने ठीक है तो ये डोर पैनल्स मैंने बनवा लिए थे उसके बाद एक मुझे वहम सा था कि ये पिंस इसकी ख़राब हैं ये पिन आप देख रहे हैं ये औरिजिनल बनवाई हैं मैंने यानी बाकायदा जैसे औरिजिनल होती हैं वो वेल्डिंग वगैरह नहीं करवाने दी उसे मैंने करने दी तो इसका डोर पिन जो हैं सिर्फ़ आगे वाले दरवाज़ों की बनवाई हैं ठीक है और ये पैनल्स आप देख लें ये एक हज़ार में बने हैं गत्ते से जो होते हैं ना वो एक हज़ार में पैनल्स बने हैं और वो बहुत अच्छे बना दिए उन्होंने और पीछे मैंने वो जो होता है प्लास्टिक पेपर जो है वो जनवन लगा हुआ था उसको जो ख़राब था जहाँ से उसको ठीक करवा दिए ये पैनल्स देखें आप बिल्कुल ठीक हो गए ये एक हज़ार में पिछले दो दरवाज़ों के बने हैं ठीक है आ, मतलब सही है ओरिजिनल जैसे तो नहीं हो सकते लेकिन ये ओरिजिनल से कम भी नहीं है बिल्कुल ऐसे ए वन फिटिंग है कोई वो इसमें ना खराबी नहीं पैदा हुई ठीक है और पिंस आगे वाले दरवाज़े की भी पिंस बनवाई हैं मैंने इसके डोर पैनल्स ठीक थे पिंस जो हैं वो मैंने आगे वाले दोनों दरवाजों की बनवाई हैं लेकिन ये देखे ना अब वो पीछे मेरे पास सोलह मॉडल थी उसकी भी वो उन्होंने ना ऊपर स्पॉटिंग सी वेल्डिंग टाइप किया हुआ था कुछ तो इसमें मैंने वेल्डिंग नहीं उसे करने दी मैंने उसे औरिजिनल बनवाई हैं वो देख रहे हैं आप बिल्कुल औरिजिनल जैसे पिनज आती हैं कंपनी की तरफ से वैसे ही बनवाई हैं और पिछले दरवाज़े जो हैं उनमें एल्फी लगाऊंगा मैं आपको पता ही है वो एल्फी से बिल्कुल फिट हो जाते हैं यानी एल्फी से ज़रा हो फिट जाते हैं लेकिन ये है कि इसके ज़्यादा ख़राब थे अच्छा दूसरा मुझे एक वहम बना हुआ था कि बार बार जो गाड़ी वर्कशॉप तो जा नहीं सकते हम वो डोर लाइट जो है वो मैंने एक्टिव करवा ली है ठीक है और वो दरवाज़े के साथ जो ऑन ऑफ होती है अच्छा अरे मुझे थोड़ा सा ये होता है कि ना हर चीज़ गाड़ी की है वो एक्यूरेट होनी चाहिए ठीक है वो मैंने एक्टिवेट करवा दी है और ये सारी जो वायरिंग थी ना इसकी सेंट्रल लॉकिंग की मतलब भाई देखें टाइम बहुत कम होता है सबके पास ही तो मैंने सारे दरवाज़े ही खुलवाए थे ठीक है ये सॉरी सारी जो वायरिंग है ना सेंट्रल लॉकिंग की वो बाहर निकलवा ली थी और दोबारा से वो उसकी फिटिंग की है सारी तार नहीं डाल दी है बजाय इसके कि एक एक पीस डाला जाए वो मेरे ख्याल से 600 की तार आई है और 500 रुपए की इसकी वो लेबर चार्जेस थे 200 रुपए का सेंटर लॉकिंग का एक वो डिवाइस होता है कोई डब्बी सी कहते हैं उसे वो और ये शील्ड लगवाई है मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला जो डेंटर था वो सही नहीं लगा रहा था तो अब ये मैंने बिल्कुल एकोरेट तरीके से ये एक पेज जो लगे हुए हैं ये ऊपर आर पार इनकी जगह बनी होती है कुछ जो लोग हैं ना हमारे डेंटर हज़रा वो क्या करते हैं वो जगह जगह पे गलत पेच लगा देते हैं और उससे गाड़ी की बॉडी को नुकसान होता है ये ओरिजिनल प्लेसिंग जो होती है उस हिसाब से लगवाई है मैंने ये देख रहे हैं आप ठीक है और ये जो डेंटर है इसने मुझसे शील्ड लगाने का पीछे जो डिग्गी की केबल है वो भी ख़राब थी थोड़ी सी ठीक है वो मैं अभी रेट्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ वो डिग्गी की जो थी केबल वो चेंज करने का और शील्ड्स डिग्गी की केबल और ड्राइवर साइड का लॉक जो है वो अच्छा नहीं था ठीक है मतलब सेंटर लॉकिंग के साथ ना सही काम नहीं करता था उसका ये जो है मेरा तकरीबन उसने मुझसे लिया है टू थाउजेंड था। रुपीज़ भी खोल के दरवाज़ों की ना अगले दो की वो भी लगा दी हैं और ये मैंने नीचे रॉड लगवाया है इस गाड़ी में नहीं लगा हुआ था कल मैंने जो वीडियो शेयर की थी ये रॉड नहीं लगा हुआ था तो ये मैंने रॉड लगवा दिया अब बाकी सस्पेंशन आप देख रहे हैं बूट वो चिमटा एक लेफ्ट जो है वो नया डाल दिया और है और एक्सल नए डाले हैं ठीक है अच्छा ये रॉड मैंने एहतियातन डलवा दिया है इससे पहले कि इसकी ज़रूरत पड़े मैंने खुद ही लगवा दिया है थोड़ा ये होता है ना बंदा इधर उधर घूमने जाता है तो पहाड़ी इलाके में तो बेहतर है कि बंदा पहले से ही अपना ना प्रोटेक्शन कर ले और ये एक्सर्स मैंने साफ सुफ हो गए हैं हो गए थे कल ठीक है रॉड आप देख लें मैंने किस तरह का बनवाया है ये बेस्ट रॉड होता है ये जंग लगा हुआ है इस पर इसका मैं कल बंदोबस्त करवा दूँगा क्योंकि मुझे जंग से ज़ाती तौर तो पर बहुत एलर्जी है ठीक है उसके बाद जी इसमें मैंने सेंट्रल लॉकिंग जो है वो मैंने एक्टिवेट करवा दी है और सेंट्रल लॉकिंग जो है वो सही मैंने सारी वायर्स आपको बताया ना इसमें एक ये प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है कि ये देख रहे हैं आप ये सीट्स ये सीट्स हिलती हैं ये ये सीट्स जो हिल रही हैं ना इनसे मुझे बहुत एलर्जी हो रही है तो इसका मैं एक परमानेंट हल सोचा है अच्छे वाला सोलूशन जो है कि ये क्यों हिलती हैं और इनको रोका कैसे जाए ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ए वन हो जाएंगी और हाँ एक और बात थी कि ये जो पार्किंग लाइट्स जब हम ऑन करते हैं तो एक बीप की आवाज आती है वो भी मैंने इसकी एक्टिव करवा दी है और इसको भी एक्टिव करवा दिया है ठीक है और पार्किंग लाइट्स जो थी ना उनके साथ एक बीप की आवाज़ आती है और वो जो मतलब के अगर डोर्स खुले हों तो वो आती है डोर्स बंद हों तो नहीं आती तो वो मैंने एक्टिव करवा दी है और ये एक लाइट इसकी फिर नहीं चल रही थी एक लाइट जो है वो मैंने बल्ब ले लिया है वो काइटो कंपनी का है चार सौ तीस रुपये का ना नवे सौ का वो मेरा आज अंदर ही रह गया वो फिट करवाना है चार सौ तीस रुपये का बल्ब है ठीक है ये बिल्स हैं ठीक है बिल्स आप देख रहे होंगे जी ये डिग्गी की केबल है कल्टस की तो ये चार सौ पचास रुपये की मिली है अच्छी वाली मैंने उसे कहा है अच्छी वाली लगाई है ठीक है क्योंकि मतलब ये बार बार इसकी इसकी वजह से पूरी सीट्स खोलनी पड़ती हैं और जिस डेंटर ने लगाई है उसने शील्ड और ये लगा के और एक लॉक जो है वो रिपेयर करवाया हमने दो सौ रुपये में वो सेंटर लॉकिंग सही से नहीं उससे हो रही थी और ये इलेक्ट्रिशियन का व्हील है ठीक है और सॉरी व्हील व्हील बैलेंसिंग का तीन सौ रुपया व्हील सॉरी व्हील बैलेंस कह रहा हूँ वो अलाइनमेंट वाले से तीन सौ रुपया उसने लिया अलाइनमेंट वाले ने और ये इलेक्ट्रिशियन जो है ना इसने बहुत अच्छा काम मैंने इसे ना बहुत अच्छा काम करवाया ये तार आप देख रहे हैं छः सौ रुपये की तार डलवाई है सेंटर लॉकिंग की डब्बी होती है दो सौ की और लेबर चार्जेस पाँच सौ सारी सेंटर लॉकिंग बाहर निकलवा के उसकी सारी तार पुरानी ज़ाया किए हैं नए सिरे से अच्छी वाली तारें लगा कर उसको ए वन मतलब फिट कर दिए ठीक है।, है इसका मजा मैंने सिर्फ इसलिए करवाया कि ये बार बार जो ना इसकी वजह से कम अज़ कम दरवाजे ना खोलने पड़े पहली तार हार्ड हो चुकी होती है अब ये नई तार लगी है ना ये तीन साल चार साल सुकून हो जाएगा वरना वो तार पुरानी जो होती है ना उसमें हम टांके लगवाते हैं जब ना वो टांके हिलते रहते हैं और कभी सेंटर लॉकिंग होती है कभी कोई दरवाज़ा नहीं बंद होता कभी कोई दरवाज़ा नहीं बंद होता तो ये मैंने परमानेंटली इसको सही करवा दिया है ये वो बड़े वाला बिल था जो कल हमने काम करवाया था लोन ठीक है और इसमें शील्ड आठ सौ पचास रुपये की आई थी दोनों अच्छी वाली लेबर जो है वो नीचे जो सारा किया था उसका पैंतीस पे, सौ रुपया लगा था वो जो नीचे मैंने डंडा आपको भी दिखाया है वो हज़ार रुपये का था और वो कायटो का बल्ब चार सौ तीस रुपये का और पैनल हज़ार रुपये के इलेक्ट्रिशियन को दो सौ रुपये दिया था ठीक है और ये स्पेयर पार्ट्स का बिल है सिक्सटी सेवन हंड्रेड रुपीज़ बने थे एक्सल दो एक्सल थे और बूट थे चिमटा बारह सौ पचास का मुझे मिला है अच्छे वाला वो भी डाला है ना और गियर ऑयल जो है वो भी दो लीटर डाला है बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता ही है मतलब जब गाड़ी खुलती है तो अब बंदा दो सौ या सौ चार सौ रुपये के बूट जो छोटे बूट्स होते हैं उनके लिए सारा टाइम तो नहीं है ख़राब करना दोबारा से तो मैंने सारे चेंज करवा दिए थे ताकि बार बार ना खोलना पड़े सस्पेंशन को और ये वो बल्ब का रेट है चार सौ तीस रुपये का बल्ब चल रहा है ये अच्छा बल्ब है लेकिन ये तभी काम करेगा ना जब आपकी लाइट्स की एडजस्टमेंट मैंने एडजस्टमेंट पे वीडियो बनाई थी बहुत अच्छी ना वो आप देखेंगे ना तो मैं ये गाड़ी की अभी ये थोड़ा बहुत काम रह गया जो ये कंप्लीट करवा के आपको मैं अपडेट करूँगा इसकी दोबारा से एडजस्टमेंट होगी लाइट्स की ना सही वाली जो एडजस्टमेंट होती है क्योंकि अभी मेरे पास भी टाइम नहीं था और ये वो बिल का है चालीस रुपये के कोई और बूट डाले हुए थे असल में वही बात यह है कि अगर आप गाड़ी लेते हैं ना कोई भी तो थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ी सी मेहनत करके दो तीन दिन में ना अब जैसे ये मैंने अभी आपको दिखाया ना ये वायरिंग का जो था ठीक है सेंटर लॉकिंग का अब इसकी वजह से अगर चार दफ़ा आपको सेंटर लॉकिंग के लिए मकैनिक की शॉप पर जाना पड़े तो हर बार आपने तीन सौ चार सौ दो सौ तीन सौ देना है तो बेहतर नहीं है कि वो सारी वायर्स वायर निकलवा ली जाए ठीक है वो पाँच सौ लेबर ले रहा है या छः सौ ले रहा है चलें आप कह लें तो अब वो सारी जो तारें हैं छः सौ रुपये की सबसे अच्छी जो तार होती है ना वो छः सौ रुपये की डली है तकरीबन मेरे खाता पाँच छः गज़ जो भी लगी है अस्सी रुपये गज़ था शायद या नबे रुपये तो उससे फ़ायदा ये है कि वो जो दरवाज़े में दरवाजे खुलने और बंद होने की वजह से तारें हार्ड हो चुकी होती है ना वक्त के साथ वो आप एक की ठीक करवाएंगे दूसरे दिन दूसरी की ख़राब हो जाएगी अगले दिन तीसरे की ख़राब हो जाएगी तो इसकी बजाय बेहतर ये होता है कि आप सारी जो है ना वो एक दफ़ा ही इसकी रिप्लेसमेंट करवा दें अच्छी वाली तार लगवाएं, उसको टेप करवाएं, दरवाज़ों में लगवाएं, ओरिजिनल जगह पे लगवाएं, सुकून करें जो बार बार चक्कर तेरह सौ में ये सारा हो गया था मेरा सेंट्रल लॉकिंग का ख़ास तौर पर बाकी लाइट्स वगैरह एक्टिव मैंने करवा दी हैं जजाकल्ला ताला आपको खुश रखे